फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड निकी और मैं आज आपके लिए लेके आई हूं काफ़ी एक ऐसा टॉपिक जिसका और काफ़ी ऐसा इंग्रेडिएंट लेके आई हूं जिसको अलग अलग तरीके से आप लेंगे तो कई बीमारियों को ठीक करता है। और ये ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है और इसके बारे में बताने वाली हूँ। अगर आपको नहीं पता तो ज़रूर इस वीडियो को देखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो पहली बार चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लग रही है। तो ये मैजिकल इंग्रेडिएंट है ईसबगोल, और जो ईसबगोल होता है वो बहुत तासीर इसकी ठंडी होती है जो कि काफी एनर्जी हमें देता है। बट इसे कभी भी 4 से 5 दिन इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए और इसे लेने का तरीका पता होना चाहिए तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये होता है 100% नेचुरल फाइबर। फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमें बॉडी के जैसे विटामिन, प्रोटीन और कार्ब्स चाहिए होते हैं, वैसे ही हमें फाइबर भी बहुत हेल्पफुल होता है। हमें ईसबगोल जो होता है हमें एसिडिटी, कब्ज, वेट लॉस और काफ़ी ऐसी बीमारियों में हेल्प करता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से आप इसे लेंगे तो आपकी ये बीमारियाँ सही होंगी। अगर आपको एसिडिटी ज़्यादा रहती है, एसिडिटी के लिए अगर आपको तुरंत आराम चाहिए तो आपको क्या करना है, भोजन के कुछ टाइम, खाना खाने के बाद आप क्या इसे ठंडे पानी में, आप नॉर्मल ठंडे पानी में आप ले सकते हो 2 चम्मच अगर आप बड़े हैं तो, और बच्चा है तो आप छोटा बच्चे को आप 1 चम्मच दे सकते हैं ठंडे पानी में। जस्ट आपको इसे लेना है और पी जाना है तो इससे क्या होता है एसिडिटी आपकी ठीक होगी क्योंकि जो आपका पित्त जो पेट में गर्मी होती है उसको ये कम कर देता है जिससे आपको राहत मिल जाती है। अगर आपको ज़्यादा कब्ज रहती है और आपको तुरंत राहत चाहिए 2 से 3 दिन आप इसे लगातार ले सकते हो या आपको 1 या 2 दिन में ही आराम मिल जाएगा। अगर कब्ज है तो आप गुनगुने दूध में रात में 2 से 3 चम्मच आपको इसे मिलाकर आप इसे लें और सुबह आपको बहुत आराम मिलेगा, कब्ज में बहुत आराम मिलेगा। अगर बच्चे को या आपको दस्त हो रखे हैं तो आपको क्या करना है, खाने के बाद आपको क्या है नॉर्मल लस्सी जो होती है उसमें क्या है 2 से 3 चम्मच घोलकर, अगर आप बड़े हैं, अगर छोटे बच्चे को दे रहे हैं तो 1 चम्मच लस्सी में अगर आप इसे घोल के दे रहे हैं तो आपको बहुत आराम मिलेगा क्योंकि इससे क्या है दस्त और जैसी समस्या है दस्त बिल्कुल ठीक हो जाता है। अगर आपको इसमें वेट लॉस करना है जो कि नंबर 1 टॉपिक, वेट लॉस इससे बहुत अच्छा होता है, बट इसे आपको मैंने बोला 4 से 5 दिन, आप 4 से 5 दिन से ज़्यादा नहीं ले सकते हो। आपको क्या करना है, अपनी हर हैवी मील से पहले, आधा घंटा पहले आपको 1 गिलास में 1 चम्मच नॉर्मल पानी में आपको घोलना है। जस्ट घुलते ही जस्ट विद इन अ सेकेंड आपको इसे पी लेना है और आपको हर हैवी मील, आप जो भी आपके हैवी मील्स होते हैं, अगर आपको 3 हैवी मील्स है तो 3 हैवी मील्स से पहले आपको 30 मिनट पहले इसे खाना है और आपका वेट लॉस आप हफ्ते में आराम से 2 से 3 किलो घटा सकते हैं। ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका है, आप ज़रूर करके देखिए। अगर आप इसे रेगुलर ज्यादा दिन लेते हैं तो इससे बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आंतों में प्रॉब्लम हो सकती है, भूख कम लगना और आप अंदर से वीक हो सकते हैं। तो आप 4 से 5 दिन से ज्यादा आप इसे ना लीजिएगा, आपको बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा। अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।